السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاته أو على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे में मोमिनून जो कि मक्की सूरत है जिसका नुजूल मक्का के अंदर हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के इस सूरत के अंदर और इसके शुरुआती 8-9 आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों की सिफत बतला रहा है कि कौन से मोमिन हैं या कैसी सिफत के लोग जब हामिल होंगे तो वो मोमिन कहलाएंगे और वो सिफात उनके लिए नजाह कामयाबी कामरानी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी और कामरानी की सबब बनेगी और उनका बाइस नजात होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कद अफलहल मुमिनून तहकीक की मोमिन कामयाब हो गए। फलह जो है अफलह किससे है ये इसका मादा क्या है फालाम हा जिसके लुगवी माने होते हैं चीरने फाड़ने के जिसके लुगवी माने क्या होते हैं चीरने और फाड़ने के। इसी से जो फलाह होता है जो किसान होता है जो खेती करता है उसको फलाह क्यों कहा जाता है क्योंकि वो जमीन को चीर फाड़ करके उसके अंदर बीज वगैरह डालता है। तो यहां पर अगर हम इसके लुगवी माने पर गौर करें कि फलाह के जब हम माना करते हैं कामयाबी के लेकिन इसके जब लुगवी माने पर हम जाते हैं तो हमें इस बात समझ में निकल करके आती है कि इस कामयाबी और कामरानी के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत छिपी हुई है क्योंकि इसका जो लुगवी माना है वो है फलाहा जिसके लुगवी माने होते चीरने फाड़ने के यानी कि आपको अगर कामयाबी चाहिए चाहे वो दुनिया की कामयाबी हो चाहे वो आखिरत की कामयाबी हो चाहे वो आपको अपने पढ़ाई में कामयाबी हासिल करनी है या कहीं और कामयाबी हासिल करनी है जो इस लफ्ज फलाह या फलाहा से पता चलता है उसके उससे जो समझ में आता है उससे हमारे बात हमारे जहनों में जो बात आती है वो यही है कि वो मेहनत तलब चीज है आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको मशक्कत उठानी पड़ेगी तभी जाकर के आप कामयाब होंगे। इसी तरीके से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कद अफलहल मुमिनून वो मोमिन कामयाब हो मोमिनून कामयाब हो गए कौन मोमिनीन जो दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात की जिन्होंने दुनिया के अंदर रह करके मशक्कतें उठाई जिन्होंने दुनिया के अंदर रह करके परेशानियां उठाई किसके लिए दीन के खातिर और मेहनत की। जिस तरीके से इंसान कामयाबी के लिए अपनी दुनियावी जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत करता है इसी तरीके से जो इसका लुगवी माना है चीरने फाड़ने के मेहनत करने के इसी तरीके से वो इंसान क्या है मेहनत किया और मोमिनून जो है वो मेहनत किया और क्या हुए कामयाब हो गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिउन कि वो लोग जो कि अपने नमाज के अंदर क्या करते हैं खुशु और खुशू बरतते हैं। नमाज जो कि मारूफ है आमाल का मजमुआ जिसकी शुरुआत तकबीर तहरीमा से होती है जो कि मुश्तमिल है दुआओं पर और उसका इख्तिताम तस्लीम से होता है इसको क्या कहते हैं नमाज कहते हैं। कहते हैं वल्लदीन हुम फी सलातिहिम और वो लोग जो अपनी नमाजों के अंदर
क्या है? खुशू खुजू बरतते हैं। खुशू क्या है? खुशू के लघवी माने क्या है? खुशू के क्या माने होते हैं? खुशू के माने होते हैं पूरे इन्हिमाक के साथ, एक सुई के साथ इंसान जो काम कर रहा है उसके अंदर मुनामिक हो, उसके अलावा कोई दूसरी चीज उसके जहन के अंदर ना आए, इसको क्या बोलते हैं? खुशू कहते हैं। कहते वो लदीन हूं फी सलातिहिम खाशिउन, वो लोग जो अपनी नमाज के अंदर खुशू पैदा करते हैं, यानी कि पूरी इन्हिमाक के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को सोचते हुए कि ये इबादत हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर रहे हैं, और वो अपने आदा और जवारे से और इसी तरीके से अपने दिल से पूरे तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुनहमिक हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का ख्याल जहन के अंदर हो, उसके अलावा नमाज के अंदर ना शैतानी वसवसे, ना शैतानी ख्याल, ना दुनिया की सोच और ना दुनिया मतलब दुनियावी जिंदगी कारोबार, और इसी तरीके से इंसान के जो पर्सनल काम होते हैं इन तमाम चीजों किसी भी चीज का उसके दिल के अंदर ख्याल ना आए, उसका जो दिल हो वो तमाम फिक्र से और तमाम चीजों की सोच से खाली हो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नमाज में उसी की तरफ मुनहमिक हो, और उसी तरीके से उसके तमाम आज़ा और जवारे जो हों वो साकिन रहते हो। ये नहीं कि नमाज में पहुंचा अब वो अपना कपड़ा सही कर रहा है, अपने बाल सही कर रहा है, अपने कुछ और चीजें सही कर रहा है, ये तमाम चीजें क्या हैं? खुशू और खुजू के मनाफी हैं, जिससे इंसान के नमाज के अंदर खुशू और खुजू नहीं पैदा होता है। उसके बाद कहा वल्लदीन हुम अनिल लगवी मुअरिदून, और वो लोग जो कि लघु चीजों से एराज करने वाले हैं। लघु किसे कहते हैं? लघु हर बेहुदा काम और हर बेहुदा अफ़ाल जिसके अंदर कोई भलाई ना हो, कोई भी दीन की भलाई ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? लघु काम कहते हैं। कहते वल्लदीन हुम अनिल लघवी मुअरिदून, और जो लोग छोटी छोटी चीजों से जिसके अंदर कोई भलाई नहीं है उससे भी क्या करते हैं? एराज करते हैं, उसके भी करीब नहीं जानते। यानी गुमोया के मोमिन की सिफात ये है कि वो लोग बड़ी गुनाह बड़ी बड़ी बुराइयां तो दूर की बात, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं या जिनका गुनाह में शुमार भी नहीं होता है उसका भी वो लोग, जिसके अंदर भलाई नहीं है उससे भी वो लोग क्या करते हैं? एराज करते हैं, उसके भी मुर्तकिब नहीं होते हैं। वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, और वो लोग जो ज़कात अदा करने वाले हैं, तो बात जो ज़कात के लघवी माने हैं ज़क्का युज़क्की के, उसके माने लघवी माने से तत्हीर के, तहरा युतहीरु तत्हीरन, क्या होते हैं? पाक करने के, तहार पाकीज़ा करने के। तो यहाँ पर कहा वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काती, और वो लोग जो ज़कात को अदा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये सूरत जो है सूरह मोमिनून ये मक्की है, और जो ज़कात की और इसी तरीके से इसके अहकामात नाजिल हुए कब नाजिल हुए? मदीना के अंदर नाजिल हुए। तो बाज लोगों ने बाज मुफस्सिरीन ने इस ज़कात के लोगों ही माने मुराद लिए हैं और इस्तलाही माना मुराद नहीं लिया है, कि कहते हैं कि ज़कात उस वक्त मुतआरफ ही नहीं था, उस वक्त ज़कात के अहकाम और तमाम चीजें फर्ज ही नहीं हुई थी, निसाब वगैरह, तो कैसे यहाँ पर ज़कात मुराद लिया जा सकता है? तो इसीलिए बाज मुफस्सिरीन इकराम ने यहाँ पर ज़कात से मुराद क्या लिया है, इसका लघवी माना मुराद लिया, कहते तज़किया नफ्स और तत्हीर नफ्स है। यानी वो लदीन हुम लिज़्ज़काती फ़ाइलून, और वो लोग जो कि तहारत को करने वाले हैं यानी अपने नफ्स को पाक रखने वाले हैं। तो दोनों माना मुराद ले सकता है, कोई हरज नहीं है, और ये भी कि अल्लाह रब्बुल अलम हो सकता है कि पहले नाजिल कर दिया हो, बता दिया हो, लेकिन अहकाम उसके बाद में नाजिल किए गए हैं। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो लोग जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, किसकी? अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, और यानी उसको जिना या लिवातत या और तमाम चीजें की जो फहश के काम है उससे दूर रहने वाले हैं, उसमें मुलविस होने वाले नहीं है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फुरूज का सही इस्तेमाल भी बतला रहा है
कि सही इस्तेमाल क्या है, कहां पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए जायज क्या है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी भी वजाहत कर दी, कहा इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर उन फुरूज का, उन शर्मगाहों का इस्तेमाल अपने शौहरों अपने बीवियों के लिए जायज है। यानी कि आदमी अपनी बीवी के लिए अपनी बीवी से हमबिस्तरी और जमा कर सकता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शरई तौर पर उन दोनों का निकाह हो चुका है। और इसी तरीके से एक जगह और है जहां पर इंसान अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल कर सकता है, औमा मलकत ऐमानुहुम, अपनी लौंडियों के साथ। यानी इसका लोगी माना अगर हम करेंगे तो यानी जिसके तुम्हारे दाहिने हाथ या तुम्हारे हाथ मालिक है, यानी जिसके तुम मालिक हो, यानी तुम्हारी लौंडी जो तुम्हारे कब्जे में है, जिनको तुमने खरीदा है या तुम हदिया दिए गए हो या हैबा किए गए हो, औ मा मलकत ऐमानुहुम, और जो भी कुछ जो और जो वो उन उनके साथ जो जिनके तुम्हारे हाथ मालिक है, यानी तुम अपनी लौंडियों के साथ भी हम बिस्तरी और जमा कर सकते हो। तो ये दो चीजें हैं या दो जगह हैं जो इंसान के लिए जायज हैं कि इंसान इनके साथ जमा कर सकता है। इसके अलावा अगर इंसान अपने शर्मगाह के इस्तेमाल करता है तो उसका इस्तेमाल जायज नहीं होगा, बल्कि वो उसका इस्तेमाल फिर गैर महल्ली होगा कि उसका जो उसका जगह है उसके अलावा में वो उसको इस्तेमाल करता है, तो उससे क्या होगा, वो इंसान जानी और जानी करार दिया जाएगा और जानी की सजा इस्लाम ने कुरान के अंदर मुकर्रर पहले से ही की हुई है। काफ़ इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो अगर ये लोग हैं जो अपने शर्मगाहों का इस्तेमाल जो जायज दो जगह हैं उन्हीं पर करते हैं तो ये लोग क्या होंगे, मलामत जदा नहीं होंगे, इन लोगों को मलामत नहीं किया जाएगा, ये लोग मलामत के मुस्तहिक नहीं होंगे, इनको सजा और तमाम चीजें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम हाफ़ज़ू अला फुरूजिहिम वस्तख़दमूहु फी मकानिन सहीह, कि उसका इस्तेमाल उन्होंने सही जगह पर किया, उसके अलावा जो मुहर्रमात थे जो हराम चीज जहां थी उन तमाम जगहों पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, और जिसने चाहा वरा ज़ालिका, इसके अलावा चीजें यानी अपनी बीवी के अलावा और अपने लौंडियों के अलावा कहीं और पर उसने अपने शर्मगाह की इस्तेमाल की, तो क्या है, फ़ौलाइका हुमुल आदून, तो लोग क्या है, हद से तजावुज करने वाले हैं। यानी कि इसके अलावा जो भी तरीके हैं कोई भी तरीका सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दो तरीके बताए हैं इंसान को अपने शर्मगाह के इस्तेमाल के, जो सही तरीके हैं वो यही दो तरीके हैं कि अपनी बीवी के साथ या अपनी लौंडी के साथ। इसके अलावा जो भी तरीका अपनाया गया है, चाहे वो इस्तिमना का तरीका हो या इसी तरीके से जिना हो या इसी तरीके से लेवातत हो या इसी तरीके से कोई और तरीका हो जो इंसान इस्तेमाल करता है, वो तमाम तरीके क्या है, गलत है। वो तमाम तरीके क्या है, गलत है। सिर्फ दो ही जगह है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, सही कहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इस्तेमाल को सही कहा है, और जो इसके अलावा इस्तेमाल करता है या इसके अलावा रास्ते को इख्तियार करता है वो लोग क्या है, हद से तजावुज करने वाले हैं, यानी कि ऐसे तरीकों को इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किए हैं, हराम किए हैं। इसके अलावा जितने भी तरीके इंसान इस्तेमाल करता है अपनी बीवी अपनी लौंडी को छोड़ करके, वो सारी चीजें क्या है, हराम है, वो सारी चीजें क्या है, हराम है, और उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अज़ाब को भी मुकर्रर करके रखा है। और फिर इंसान अगर वो करता है तो अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब के सामने झोंकता है। उसके बाद कहा वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और मोमिनों की सिफत ये भी है कि वो लोग जो अपने अमानत की और अपने वादे के अपने उहूद के क्या है, उसकी पासो लिहाज रखने वाले हैं, उसको मुकम्मल और
पूरा करने वाले हैं। अगर उन्होंने किसी से वादा किया है तो उस वादे को पूरा करेंगे, और इसी तरीके से अगर उनके पास कोई अमानत रखी गई है तो उस अमानत में वो लोग खयानत नहीं करते हैं, उस अमानत में वो लोग क्या है खयानत नहीं करते हैं, बल्कि उस अमानत को पूरा पूरा करने वाले हैं। والذين هم على صلاتهم على صلواتهم يحافظون। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कहा, शुरू में भी नमाज की ताकीद की और फिर जब मोमिनों के सिफात खत्म हो रहे थे वहां पर क्या कहा, والذين هم على صلواتهم يحافظون, और वो लोग जो कि अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, यानी मैं कहा सल्ला और तमाम चीजें, जब भी नमाज का कहा गया नमाज इकामत का लफ्ज आएगा, युकीमुस सला नमाज कायम करना, यानी नमाज पे हमेशा मुआदबत बरतना, या हाफिज़ुस्सलावात यानी नमाज की हिफाजत करना, यानी उसका ख्याल रखना कि जब उसका वक्त आए फौरन आपको उसको पढ़ना, यानी जिस तरीके से आपके पास माल दौलत है और तमाम चीजें होती हैं उसकी आप हिफाजत करते हैं, उसको छिपा करके रखते हैं, जहां काम लगा वहां नहीं करते हैं, तो इसी तरीके से ये नमाज भी है, आपको इसको छिपा करके रखना है, इसकी हिफाजत करनी, यानी इसके वक्त में इसको पढ़ना है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और वो लोग जो कि अपनी नमाजों पर जो उसके औकात हैं और जो मशरूआ हैयत है, यानी जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज पढ़ने की हुक्म दिया है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उन तरीके पे क्या है पढ़ते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, तो लोग वारिस है किस चीज के, जन्नत के, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फिया खालिदून, और वो लोग वारिस होंगे जन्नत के, और ऐसे जन्नत के अंदर ऐसे मकामात के, ऊंचे ऊंचे मकामात के, बुलंद मकामात के, जिसके अंदर वो लोग क्या है हमेशा हमेश रहेंगे, और ऐसी नेमतों से नवाजे जाएंगे जो नेमत मुस्तमिर होंगी और कभी भी मुनक़ता होने वाली नहीं है। तो ये थी चंद सिफात जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिनून की शुरुआती चंद आयतों के अंदर किया है कि मोमिन जो है उनके ये सिफात हैं, और जब ये इन सिफात से मुत्तसिफ होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जजा भी बता रहा है कि वो लोग क्या होंगे, जन्नत के वारिस होंगे, और जब जन्नत के वारिस होंगे और तो जन्नत के अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत के अंदर आला मकाम देगा और ऐसी नेमतों से नवाजेगा जो नेमतें मुस्तमिर होंगी और कभी भी मुनक़ता होने वाली नहीं है। तो ये थी चंद बातें, आज का दर्स हम इसी पर इक्तफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।